हमारा फोन हैक होता है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे फोन में किसी ने कोई एप्लीकेशन डाली हुई है या फिर किसी ने मतलब कोई लिंक भेजकर हमारे फोन को हैक किया हुआ है, ये हम कैसे पता करेंगे? दोस्तों कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पास एक लिंक आती है, हम उस पर क्लिक कर देते हैं और हमारे फोन का जो डाटा है वो क्लियर हो जाता है, यानी कि अगले के पास चला जाता है। ऐसे मतलब हमारा डाटा कहीं पर भी सेफ नहीं है। मोबाइल हमारे पास है, हम यूज करते हैं अपने पर्सनल चीजों के लिए, लेकिन ये सेफ कहीं ना कहीं नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि हमारे डाटा को चुराने की कोशिश करते हैं, हमारे फोन को हैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से बचाने के लिए हम ऐसा क्या करें अपने फोन में जिससे कि हमारा फोन जो है वो बिल्कुल ही पूरी तरह से सेफ रहे? तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और ध्यान से देखना है। अगर आप थोड़ा भी मिस करते हो तो नहीं समझ पाओगे। मैं आपको चार सेटिंग बताने वाला हूं जो कि बहुत ही कमाल की साबित होने वाली है। ये चारों सेटिंग को अगर आप करते हो और चेक करते हो इस तरह से, तो आपके मोबाइल में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपका फोन किसी ने हैक किया हुआ भी है तो उसे आप बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं और साथ ही साथ आप अलर्ट लगा सकते हैं ताकि उसमें जब भी मतलब कोई ऐसी कोशिश करेगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। हमारी जो चौथी सेटिंग है वो बहुत ही कमाल की होने वाली है, तो चौथी सेटिंग तो मिस करना ही मत, क्योंकि अगर वो छूटा तो फिर सारी चीज बेकार है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और चौथी सेटिंग तो जरूर देखना, मैं तो यही बोलूंगा आपको। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते और मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए अब आपको क्या करना होगा उसके लिए आप चले जाओ अपने सेटिंग में, ठीक है। एक चीज दोस्तों आपको बता दूं, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो दोस्तों यहां सेटिंग में आने के बाद यहां पे हमें जाना होगा अपने अबाउट फोन में, और जाने के बाद यहां पे आप देख सकते हो MIUI वर्जन है, किसी में बिल्ड नंबर आता है, मेरे में MIUI वर्जन आ रहा है क्योंकि मेरा रेडमी का फोन है। तो हम इस पे जब क्लिक करेंगे, यहां पे 7 टाइम हमें क्लिक करना होगा तो एक नया ऑप्शन हमारे सेटिंग में आ जाएगा जिसका नाम होगा डेवलपर ऑप्शन, ठीक है। तो डेवलपर ऑप्शन हमें कहां पे मिलेगा? यहां एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन देख रहे होगे आप, इस पे जाओगे और नीचे देखोगे तो यहां पे मिलेगा आपको डेवलपर ऑप्शन यहां पे। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और करने के बाद चले जाएंगे यहां से सीधे नीचे यहां पे, ठीक है। सबसे नीचे हम चले जाते हैं। अब यहां पे आप देख सकते हो सबसे नीचे में हमें दो ऑप्शन मिलते हैं जिसका नाम है यहां पे लिखा हुआ है टर्न ऑन MIUI ऑप्टिमाइजेशन, और उसके नीचे जस्ट है यहां पे नोटिफाई अबाउट हाई रिस्क फीचर। तो आपको क्या करना है कि ये दोनों ऑप्शन अगर आपके ऑफ होते हैं तो आपको इन दोनों को इनेबल कर देना है। इसका देखिए नोटिफाई अबाउट हाई रिस्क फीचर का मतलब ये हुआ कि मतलब कभी भी मतलब हाई रिस्क मतलब कोई ऐप आपका डाटा मतलब कंज्यूम करने की कोशिश करेगा तो यहां पे वो शो कर देगा, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा कि भाई आपके पास मतलब हाई रिस्क वाली काम हो रही है, तो यहां से ये अलर्ट आपको भेजेगा। तो इसे ऑन कर देना है। उसके बाद टर्न ऑन MIUI ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आपका जो ये मोबाइल है ये ऑप्टिमाइज करता रहेगा कि आपके मोबाइल के डाटा को, यानी कि इसे जो चीज अच्छी लगेगी कि हाँ भाई ये मतलब यहां पे सिक्योरिटी बनी हुई है वहीं पे ये परमिशन देगा, वरना किसी को ये ऑफ कर देगा। कोई अदर एप्लीकेशन होगी जो कि प्ले प्रोटेक्ट को सपोर्ट नहीं करती है तो वहां पे ये उसे ऑफ कर देगा। तो ये काम यहां से हो जाएगा। उसके बाद आपको जो काम करना है वो यहां पे आपको थोड़ा सा ऐसे नीचे जाना होगा और यहां पे आप देख सकते हो मॉनिटरिंग का नाम का एक ऑप्शन है, तो यहां पे आपको क्या कर देना होगा, स्ट्रिक्ट मोड इनेबल का यहां पे ऑप्शन आप देख रहे हो, स्ट्रिक्ट मोड इनेबल पे आपको यहां से टैप कर देना है और इसे इनेबल कर देना है। इससे ये आपको फायदा होगा, लिखा हुआ है फ्लैश स्क्रीन विंड ऐप डू लॉन्ग ऑपरेशन ऑन मेन थ्रेड, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन है अगर आपके फोन में हाइड की हुई एप्लीकेशन जो कि बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रही है तो यहां से आपके फ्लैश स्क्रीन को मतलब स्क्रीन में फ्लैश होता रहेगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि भाई आपके मोबाइल में कुछ गड़बड़ है, तो उसे आप ठीक कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे ये तीन सेटिंग तो हो गई, चौथी जो है वो सबसे मेन सेटिंग आती है तो वो मैं आपको बता दूं। आप चले जाओ यहां से बैक, ठीक है, चले जाओ सेटिंग में फिर से, और जाने के बाद यहां पर देख सकते हो हाई रिस्क फीचर इनेबल, यहां पर नोटिफिकेशन हमारा आ गया। तो ऐसे ही करके आपको दिखेगा कि मतलब हाँ भाई कोई हाई रिस्क वाली चीज आपके मोबाइल में हो रही है, तो यहां से आपको ऐसे ही शो होगा। चौथा जो सेटिंग है वो मैं आपको बता दूं उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखो बहुत सारे मोबाइल में वो जो ऑप्शन है वो बहुत सारे मोबाइल में बहुत तरह के आते हैं, तो मेरे मोबाइल में शो करेगा डिवाइस एडमिन ऐप और आपके मोबाइल में हो सकता है डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर नाम से है या फिर डिवाइस एडमिन ऐप भी आ सकते हैं। तो यहां से आप सिंपली सर्च कर लेना यहां से दोनों चीज डिवाइस और यहां से ADM सर्च करोगे आप डिवाइस ADM तो आप में आ जाएगा, या तो एडमिन ऐप आएगा या फिर एडमिनिस्ट्रेटर आएगा। तो मेरे में एडमिन ऐप आ रहा है तो हम इस पे क्लिक कर लेंगे। यहां पे आप देख सकते हो कि अगर मान लीजिए कि ये इसके कहने का मतलब ये है कि फोन का सारा जो डिवाइस एडमिन ऐप, यानी एडमिन ऐप का मतलब आप समझ लो कि आपके मतलब मोबाइल जो है इसका एडमिन बनाया हुआ है किसी एप्लीकेशन को जो कि आपके सारे डाटा को लीक कर सकता है। तो यहां से फाइंड माई डिवाइस जो है ये तो भरोसेमंद चीज है, चलो इसको हम रहने देते हैं। यहां पे आप देख सकते हो क्रोक कैचर नाम का एक एप्लीकेशन है जिसको हमने डिवाइस एडमिन ऐप बनाया हुआ है, मतलब हमारे मोबाइल का एडमिन ये ऐप बना हुआ है, तो हमें क्या करना होगा इसे ऑफ कर देना होगा। यहां से हम डीएक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे और नीचे में यहां से ओके कर देंगे कि यहां से हो गया हमारा काम खत्म, क्योंकि अब हमारा मोबाइल जो है वो सेफ है, हमारे डिवाइस का कोई भी एप्लीकेशन एडमिन नहीं है, तो यहां से ये चीज आपकी सेफ्टी को बरकरार रखेगा। तो ये चारों काम दोस्तों आप अपने मोबाइल में जरूर करना, इससे आपकी सिक्योरिटी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये अगर आप करते हो तो आप फायदे में ही रहोगे, इससे आप पता भी लगा सकते हो कि आपके मोबाइल को किसी ने हैक करने की कोशिश तो नहीं की हुआ है, या फिर सिंपली आप एक और काम कर सकते हैं कि आप चले जाओ अपने मोबाइल के एप्लीकेशन में
और जाने के बाद आप सर्च करो सिंपली अपने एप्लीकेशन में कि आपके काम की कौन कौन सी एप्लीकेशन है, जो भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे लगे कि आप उसे नहीं जानते हो, ये कोई अदर एप्लीकेशन है, उसे आपको डिलीट कर देने की जरूरत है, आप उसे डिलीट कर दो, क्योंकि रख के मेमोरी बढ़ाकर क्या फायदा, तो डिलीट ही कर देना ज्यादा सही रहेगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।